मैं बनाने जा रही हूँ तीसी सजमन। इसको मैथिली में सजमन बोला जाता है और अलसी को तीसी, और इसको हिंदी में वैसे बोलते हैं लौकी। तो अलसी और लौकी का सब्जी बनाने जा रही हूँ मैं। तो चलिए, उसके लिए मैं ले ली हूँ इतना लौकी और उसको अच्छी तरह छील दी हूँ और धो के रख ली हूँ। अब मैं इसको बारीक बारीक काट देती हूँ। तो इसको इस तरह हम काट ले रहे हैं। आप चाहे तो चाकू से भी काट सकते इसको अच्छी तरह। देखिए, एकदम पतला पतला काटना है इसको, ताकि यह सेब भी इसका अच्छा रहे और अच्छी तरह गल भी जाए जब सब्जी बनाए हम। तो इस तरह मैं सारा काट करके और रख ली हूँ। तो मैं अलसी सजमन जो बना रही हूँ उसके लिए मुझे पहले अलसी भूनना पड़ेगा, अलसी का पाउडर बनाना पड़ेगा। मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में भी अलसी का पाउडर कैसे बनाते हैं वो दिखाई हूँ, उसका बेनिफिट क्या होता है वो भी बताई हूँ। पर अभी मैं फिर से बना रही हूँ उसका पाउडर, ये लौकी और अलसी बनाने के लिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर डाल दी हूँ इसमें धनिया, थोड़ा सा गोटा धनिया और लाल सूखी मिर्च। इसको मैं 2 मिनट तक भूनूंगी, फिर इसमें डालूंगी अलसी। लाल मिर्च और गोटा धनिया का 2 मिनट हो चुका है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ अलसी, और कढ़ाई एकदम गर्म होना चाहिए तभी अलसी डालना है, नहीं तो क्या होगा, चिपक जाएगा अलसी इसमें। और इसको हाई फ्लेम पर ही भूनना है अलसी को। ये ज़्यादा उड़ता है तो अगर उड़ने लगे ज़्यादा तो इसको ढक देना है, ढक ढक के भूनना है, नहीं तो उड़ के आपका हाथ पाँव जल सकता है इससे। और मैं इसलिए अलसी डाल रही हूँ, लौकी और अलसी बना रही हूँ, क्योंकि अलसी का ही पाउडर डलेगा और ये जो मैं दिखा रही हूँ लाल मिर्च, और इसमें कुछ नहीं डलेगा। तो देखिए, जब तक ये फूट ना जाए और अच्छा स्मेल ना आ जाए, अगर इसको ज़्यादा जलाना भी नहीं है और कच्चा भी नहीं रखना है, कच्चा रखेंगे तो इसमें जेली जेली जैसा हो जाएगा, चिटचिटापन आ जाएगा और जल जाएगा तो वो कड़वा हो जाएगा, इसलिए हमें इसको बहुत ध्यान से भूनना है। तो देखिए, अब ये फूट रहा है, आवाज़ आ रहा होगा आपको, तो ये फूट रहा है। अब मैं इसको हाई फ्लेम पे ही भूनती हूँ 2 मिनट तक। तो अलसी अच्छी तरह भून करके रेडी है। देखिए कितना अच्छा इसका कलर हुआ है। इसको जलाना नहीं है और ना इसको कम भूनना है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी थी। और देखिए, हाथ से ऐसे मसला जा रहा है, मीन्स ये हो गया और सारा ही फूट गया है, और बहुत अच्छी इसमें से खुशबू भी आ रही है। तो चलिए, अब मैं थोड़ी देर इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ और इसका फिर पाउडर बनाऊंगी। तो ये आम का है, इसको आम सुक्तो बोलते हैं। जैसे आम का सीजन में आम का ऐसे छोटा छोटा आम का पीस करके और हम धूप में सुखा के रखे हैं, और इसको पानी में भिगो दी हूँ आधा घंटा पहले, और इसको अच्छी तरह मसल के और मैं सब्जी में डालूंगी। इसके लिए हमें इसको आधा घंटा या 15 मिनट कम से कम पहले ही फुलाना है, लौकी और अलसी के सब्जी में डालने के लिए। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और हल्का हल्का खटापन भी आता है। तो यहाँ अलसी अच्छी तरह ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको जार में डाल के और इसका पाउडर बना लेती हूँ। जब पाउडर बनाए आप, तब एकदम बहुत ज़्यादा मिक्सर नहीं चलाना है, बस एक बार से दो बार ही चला करके, और इसका थोड़ा दरदरा रहेगा, एकदम पाउडर नहीं होगा। एकदम अगर ज़्यादा चलाएँगे तो इसमें से तेल निकल आएगा। तो यहाँ देखिए कितना अच्छा कलर आया है, और अलसी का पाउडर बनके पूरा रेडी है। अब चलिए मैं सब्जी बनाती हूँ। तो मैं कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच तेल डाल दी हूँ। तेल अच्छी तरह गर्म हो चुका है छौंक लगाने के लिए लौकी का। अब मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा हींग, 5 फोड़न और 2 लाल सूखी मिर्च। अब मैं इसको थोड़ी देर तिनकने दे रही हूँ। तो फ़ौरन भी तिनक चुका है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ लौकी जो मैं काट कर रखी थी, और तेल बहुत ज़्यादा नहीं डालना है लौकी में, बहुत ज़्यादा तेल नहीं चाहिए। तो चलिए सारा लौकी डाल करके, और इसमें गया सारा लौकी। अब मैं इसको अच्छी तरह मिला देती हूँ। तो अच्छी तरह मिल चुका है। इसको हमें हाई फ्लेम पर ही रखना है, फ्लेम लो नहीं करना अभी, जब तक इसमें नमक और हल्दी ना डाल दे। तो मैं इसमें डाल दे रही हूँ नमक 1 चम्मच भर कर, और हल्दी पाउडर। तो नमक और हल्दी है, इसमें और कोई मसाला नहीं जाएगा इसमें, बस जब हो जाएगा तो लास्ट में अलसी जाएगा इसको मैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं डालना है, जैसे और सब्ज़ी में हम कलर के लिए हल्दी डालते हैं, इसमें एकदम कम हल्दी डालना है हमें। ज़्यादा हल्दी डालने से क्या होगा, ये
अच्छी तरह सीजेगा नहीं और इसका कलर भी अच्छा नहीं आएगा क्योंकि इसमें अलसी जाएगा। तो चलिए अब मैं इसको ढककर और लो फ्लेम पे छोड़ देती हूँ और बीच बीच में चलाती रहूँगी। इसमें बहुत सारा पानी छोड़ देगा अपने आप, उसी में ये गलेगा, इसमें एक्स्ट्रा पानी डालने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए लौकी में कितना सारा पानी छोड़ दिया है। इसको बस मैं नमक और हल्दी डाल के और गैस एकदम सीम करके ढक कर छोड़ दी थी। अब मैं इसको हाई फ्लेम पे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक भून लेती हूँ। एकदम अच्छी तरह सीख चुका है देखिए। तो देखिए 4 से 5 मिनट में इसको अच्छी तरह भून चुकी हूँ। अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये जो मैं आपको बताई थी आम का, जो मैं सुखा के रखी थी, इसको थोड़ा हाथ से निचोड़ दी हूँ और इसको मैं पानी डाल दी हूँ इसमें। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ अलसी, थोड़ा खटाई ज़रूरी है, हम इसमें धनिया नहीं डालें। अलसी में इस चम्मच से 4 से 5 चम्मच डालना है भर भर के। अलसी तो पता है फैट लॉस के लिए कितना काम आता है और बहुत हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आँख के लिए तो बहुत ही अच्छा है, बहुत बेनिफिशियल है ये। तो चलिए हम डाल दिए इसमें अलसी और मैं इसको अच्छी तरह मिला देती हूँ। अलसी डालने के बाद बहुत ज़्यादा इसको भूनना नहीं है। अलसी डालने के बाद बस जितना टाइम हमें इसको अच्छी तरह मिलाने में लगेगा उतना मिलाकर और गैस को बंद कर देना है। तो मैं डाल दी हूँ थोड़ा सा इसमें पानी क्योंकि मुझे ग्रेवी चाहिए, मैं चावल और लौकी अलसी खाने वाली हूँ तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल दी हूँ ग्रेवी के लिए। आप अगर ग्रेवी नहीं चाहते, आपको रोटी के साथ खाना है, तो आप ग्रेवी नहीं भी डाल सकते इसमें, या फिर चावल के साथ ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं खाना है तो जैसे मैं सूखा दिखाई थी वैसे भी खा सकते हैं। अब हमारा ये रेडी है, अब चलिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए वाव, गर्मा गर्म अलसी का सब्जी बनके रेडी है। अब मैं जा रही हूँ इसको चावल के साथ खाने, आप भी बनाइए। और हमारा रेसिपी कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और इसको तीसी सजमैन अलसी लौकी सब बोला जाता है जो मैं बताई हूँ आपको। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और मेरा पूरा वीडियो देखिए और इन्जॉय करिए। बाय बाय।